This video is brought to you by How's That? क्या आप भी किसी अपने सपने मेरे तुम्हारे टीम 11 पे टीम बना रहे हो और बच्चों के साथ खेल रहे हो? हमारे साथ खेलोगे? How's That पे खेलो लेजेंड्स के साथ, हमें हरा और जीतो डबल कैश। लॉग ऑन टू howsthat.com एंड विन रियल कैश। ब्रिस्बेन टेस्ट रोमांचक अंत की ओर बढ़ चुका है। मैच के आखिरी दिन जीत के लिए भारत को 324 रन बनाने होंगे। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक रोहित शर्मा 4 और शुभमन गिल 0 के निजी स्कोर पर नाबाद थे। मैच के चौथे दिन बारिश ने खूब खलल डाला, इसके चलते दिन का खेल तय वक्त से पहले खत्म करना पड़ा। हालांकि चौथे दिन जितना भी खेल हुआ, इंडियन टीम शानदार लय में दिखी। मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर ने आपस में 9 विकेट बांटे, तो वहीं मैच में 5 कैच लेने वाले रोहित शर्मा अपनी हरकतों से लोगों का मनोरंजन करते रहे। रोहित शर्मा की हरकतों की शुरुआत पहले सेशन से ही हो गई। शार्दुल ठाकुर ने 25वें ओवर की आखिरी बॉल पर मार्कस हैरिस को आउट किया और अगले ओवर की आखिरी बॉल पर डेविड वार्नर भी आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर की ये गेंद सीधे वार्नर के ऑफ स्टंप पर जा रही थी, लेकिन वार्नर अंपायर पॉल विल्सन के फैसले से संतुष्ट नहीं थे। वार्नर ने DRS लेने का फैसला किया। रिप्ले से साफ हो गया कि वार्नर आउट थे। विल्सन ने दोबारा अपनी उंगली उठाकर वार्नर को वापसी का रास्ता दिखाया। हालांकि इस बार एक चीज अलग थी, अंपायर के साथ इंडियन वाइस कैप्टन रोहित शर्मा ने भी मौज लेते हुए उंगली उठा दी। इस घटना की कुछ देर बाद पहले सेशन के ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान रोहित चलते हुए आए और विकेट के आगे आकर खड़े होकर शैडो बैटिंग करने लगे। मजे की बात यह है कि जिस वक्त रोहित ये कर रहे थे, उस वक्त क्रीज पर स्टीव स्मिथ और कैमरन ग्रीन थे। आप भूल गए होंगे तो याद कर लीजिए कि सिडनी टेस्ट के दौरान ऋषभ पंत का बैटिंग गार्ड मिटाने के आरोप के बाद स्मिथ कैंप ने अपनी सफाई में कहा था कि स्मिथ शैडो बैटिंग कर रहे थे। ऐसे में रोहित की इस हरकत से फैंस को खूब मजा आया। उनका मानना था कि रोहित ऐसा करके स्मिथ को चिढ़ा रहे थे। हालांकि ऐसा नहीं कि रोहित शर्मा इस मैच में बस मजे ही ले रहे थे। रोहित ने ब्रिस्बेन टेस्ट में एक बेहतरीन रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। पहली पारी में डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ और टिम पेन के कैच पकड़ने वाले रोहित ने दूसरी पारी में मार्नस लाबुशेन और कैमरन ग्रीन को भी लपका। इसके साथ ही वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले भारतीयों की एलीट लिस्ट में शामिल हो गए। रोहित से पहले इस लिस्ट में एक नाथ सोलकर, फिर श्रीकांत और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज हैं। सोलकर ने 1969-70 जबकि द्रविड़ ने 1997-98 में चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 कैच लपके थे, जबकि श्रीकांत ने ये कारनामा 1991-92 के पर्थ टेस्ट मैच में किया था। आपके लिए जानकारी लाए थे हमारे साथी सूरज, देखते रहिए दी ललन टॉप।